जिला कांगड़ा में ज्वालामुखी भाजपा में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसका खुलासा सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से हो रहा है। इस वीडियो में ज्वालामुखी भाजपा के नेता ने मुख्यमंत्री जयराम से शिमला में मिलकर स्थानीय विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में पार्टी कार्यकर्ता ज्वालामुखी से बीजेपी के विधायक रमेश धवाला की सीएम से शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से पार्टी के कार्यकर्ता कह रहा है कि बीजेपी सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस सब के बीच ज्वालामुखी से बीजेपी विधायक की अड़ियल नीतियों परिवारवाद से क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पार्टी कार्यकर्ता ने सीएम से शिकायत करते हुए कहा कि विधायक साहब अपने साथ एक निजी मंडली लेकर कार्य कर रहे हैं। विधायक कार्यों के लिए ना तो वो पार्टी कार्यकर्ताओं की सलाह लेते हैं और ना ही किसी वरिष्ठ नेता से कोई सलाह मशवरा करते हैं। विधायक पर आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि प्रदेश में सबसे गंदा अस्पताल हमारे क्षेत्र में है, लेकिन विधायक अस्पताल की स्थिति को सुधारने नहीं दे रहे, नया अस्पताल बनने नहीं दे रहे। बता दे कि ओक ओवर में गुरुवार को इसके अलावा और भी बहुत भड़ास रमेश धवाला के विरुद्ध निकाली गई, लेकिन चंद मिनटों के वायरल वीडियो से संकेत मिल रहे हैं कि ज्वालामुखी विधानसभा में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता अपने विधायक के खिलाफ बगावती सुर अपनाए हुए है, और यह लावा कब विस्फोट का रूप लेगा यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठीका हाँ, घुगड़ुई पंचायत में कुछ दिन पहले ठेकेदार मेरे पास भी आए थे और मैंने कहा वहाँ पे कि मेरा कोई लेना देना नहीं, पंचायत अगर लिख करके दे देगी तो आप वहाँ पे ठेका खोल दीजिए, अगर पंचायत रिफ्यूज करेगी तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वो पंचायत जो है वो खुद ही वहाँ पे जिम्मेवार है, लेकिन मैंने इतनी बात ज़रूर कही थी कि ये ठीक है कि ये ठेका सरकार जो खोल रही है गलत।